हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कन्फर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज़ कन्फर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो आई एम वेटिंग फॉर यूर कन्फर्मेशन। कर दीजिए कन्फर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। और ये हमारा कॉन्टिन्यूशन है चैप्टर नंबर वन का। सो चैप्टर नंबर वन में अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? इट इज एक्टिविटी ऑफ लीजिंग आउट कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड लेसर टू अनदर कंपनी कॉल्ड लेसी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मंथली रेंट्स दैट इज कॉल्ड लीज रेंट फॉर एसेट्स कंजम्पशन और यूज। नौ, इस पूरी डेफिनेशन को हम ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लीजिंग क्या है या लीज फाइनेंसिंग क्या है? तो हम बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग की। सो बैंक्स लीज फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो इट इज एक्टिविटी ऑफ लीजिंग आउट कैपिटल एसेट्स। सो कैपिटल एसेट्स जैसे मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, विच आर ओन्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन, जो एक इंस्टीट्यूशन के पास है, जिसका ओनरशिप एक इंस्टीट्यूशन के पास है। सो दिस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड लेसर टू अनदर कंपनी। तो दिस अनदर कंपनी इज कॉल्ड लेसी। सो कंसीडरेशन क्या है? अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, जिसको हम कहते हैं लीज रेंट। और ये मंथली रेंट कौन पे करता है? लेसी पे करता है। किस पर्पज़ के लिए पे करता है, क्यों पे करता है? क्योंकि वो एसेट को कंज्यूम कर रहा है या एसेट को यूज़ कर रहा है। द लेसर डज नॉट एन्जॉय यूज ऑफ एसेट बट इट इज ओनर। जो लेसर कंपनी है, लेसर इंस्टीट्यूशन है, वो एसेट को यूज नहीं करती बट दे आर ओनर्स ऑफ दैट एसेट। द लेसर कैन राइट ऑफ ए सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट इट्स टैक्सेबल प्रॉफिट। जो लेसर है उसको लीज में टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है बिकॉज इन एसेट का जो डेप्रिसिएशन है, बिकॉज ही इज ओनर, तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट फॉर कर सकता है। सो जब उसका डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंडिचर दिखाएगा टू दैट एक्सटेंट उसका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे उसका टैक्स उसको कम पे करना पड़ेगा। जो उसका प्रॉफिट टैक्सेबल बनेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के कारण उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो बीइंग ओनर ही कैन डू दिस। सो दिस इज बिग एडवांटेज टू द लेसर। इसके अलावा लेसर को मिलता है मंथली रेंट, तो वो रेंट भी उसकी इनकम है। सो ऑन वन साइड रेंट उसकी इनकम है ऑफ एसेट के ऊपर, और दूसरा डेप्रिसिएशन के कारण उसको उसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है तो उसमें एक्सपेंडिचर वो दिखाता है, हेंस उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है। नो एडवांटेज टू लीजी। जो लीजी है, जो रेंट पे कर रहा है, जो यूज कर रहा है उस एसेट को, उसको क्या एडवांटेज है? यूज ऑफ एसेट विदाउट इंक्रिंग द कैपिटल कॉस्ट दस सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लेसी जो है एसेट को यूज़ कर पा रहा है, मशीनरी को यूज़ कर पा रहा है, और मशीनरी के लिए उसने कोई कैपिटल अरेंज नहीं की। सो देर इज़ नो कैपिटल कॉस्ट।
सो दिस मीन वो कैपिटल कॉस्ट सेव कर पा रहा है, बिकॉज इसके लिए अगर वो लोन लेता तो लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता, और वो कैपिटल लेके आता तो कैपिटल के ऊपर उसको जो अपॉर्चुनिटी अर्निंग थी वो लूज कर जाता. सो टू दैट एक्सटेंट ही इज सेविंग ऑन दैट. सो दिस इज वन एडवांटेज. लीज रेंटल्स आर बिजनेस एक्सपेंसेस. तो जो रेंट पे कर रहा है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है तो उससे उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और उस कारण उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो बिकॉज वो लीज रेंटल्स को एक्सपेंडिचर ले सकता है एज ए रिजल्ट, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो लेसर की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है. लेसी की टैक्स बेनिफिट है क्योंकि वो लीज रेंटल्स को बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा करके उस अपने प्रॉफिट को कम करता है और उसके ऊपर कम टैक्स पे करता है. सिंस देर इज नो कैपिटल कॉस्ट, दिस नॉट इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्योंकि उसको कैपिटल नहीं लेके आना पड़ता, इसीलिए बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है जहाँ पे कैपिटल अपीयर होता है बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी साइड में भी उसका इम्पैक्ट नहीं बनता है. क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ लीजी इज मेंटेन्ड एट ए हायर लेवल फैसिलिटेटिंग इट टू द बोरोअर फर्दर. इससे क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लेके आनी पड़ती, उसकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं बनती, इसीलिए तो उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है तो वो बेटर रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो फर्दर बोरिंग कर सकता है. तो दीज आर द एडवांटेजेस टू द लीजी एंड दीज आर द एडवांटेज टू द लेसर. और लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, सो उसका डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिलता है. अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्लास्टिक मनी को लेकर के है. व्हाट इज प्लास्टिक मनी? सो प्लास्टिक मनी इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर टाइप ऑफ कार्ड्स विच हैज़ बिकम ए प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट्स. आजकल बहुत सारे लोग जो पेमेंट्स करते हैं अदर देन कैश पेमेंट करते हैं, और उसके लिए वो यूज़ करते हैं इधर क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स. तो ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या दूसरे कार्ड्स हैं जो प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट्स है, तो इन्हीं को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी. अब इसमें डिफरेंट टाइप के कार्ड्स कौन कौन से, सो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज कार्ड क्या होता है. चार्ज कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड वेयर कार्ड होल्डर इज नॉट चार्ज्ड इंटरेस्ट बट नीड्स द यूजर टू पे द बैलेंस ड्यू इन फुल अपॉन रिसीट ऑफ स्टेटमेंट यूजुअली एवरी मंथ. सो चार्ज कार्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड है. तो यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा होता, लेकिन उसको जो ड्यू बैलेंस है वो फुली पे करना पड़ता है ऑन रिसीविंग द स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट नॉर्मली एवरी मंथ रिसीव होती है. बट इसके अंदर जो होल्डर है यानी कार्ड होल्डर है, तो ही हैज़ टू पे हाई एनुअल फी. तो जो चार्ज इश्यूर है तो उसकी जो इनकम है इस हाई एनुअल फी से है, और कार्ड होल्डर का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इस हाई एनुअल फी के कारण है, तो इंटरेस्ट इसमें रिकवर नहीं किया जाता. सो दीज डू नॉट हैव ए प्री सेट स्पेंडिंग लिमिट. इन कार्ड से जो पहले से सेट की हुई एक स्पेंडिंग की लिमिट नहीं होती है. अमाउंट अलाउड टू बी ड्रॉन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन यूजेस एंड पेमेंट रिकॉर्ड बिल्ट अप. कितना अमाउंट उसको परमिट किया जाएगा यूज करने के लिए, तो ये डिपेंड करेगा कि पास्ट में उसने कितना यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, और वेदर उसने जो पेमेंट की ऑन टाइम पेमेंट की या ऑन टाइम पेमेंट नहीं की. सो दैट मीन उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है
तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मच अमाउंट ही विल बी परमिटेड टू बी यूटिलाइजिंग. नाउ नेक्स्ट हमारा कार्ड है क्रेडिट कार्ड. सो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट्स द कार्ड होल्डर टू यूटिलाइज द सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट. सो क्रेडिट कार्ड के अंदर एक प्री सेट प्री सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट है. सो जिसको यूज करता है कार्ड होल्डर प्राइमरली किस पर्पस के लिए. फॉर मेकिंग परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करने के लिए इन कार्ड्स को वो यूज करता है. अब क्रेडिट कार्ड में और चार्ज कार्ड दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. इन केस ऑफ चार्ज कार्ड एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज टू बी पेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड. तो चार्ज कार्ड के अंदर जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एंटायरली उसको पे करना है. लेकिन अगर हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में तो ही हैज़ द ऑप्शन टू पे ओनली पार्ट ऑफ ड्यू अमाउंट. तो ये ज़रूरी नहीं कि ड्यू अमाउंट को वो फुल्ली पे करे. ऑन ड्यू डेट तो ही कैन चूज टू पे पार्ट अमाउंट ऑल्सो. और क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो चार्ज कार्ड के केस में हमने नोट किया था नो इंटरेस्ट इज पेएबल. बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑन द आउटस्टैंडिंग अनपेड अमाउंट इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड. नाउ डेबिट कार्ड्स. डेबिट कार्ड्स आर सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड इन फंक्शनैलिटी. तो जब हम फंक्शनैलिटी बात करते हैं तो डेबिट कार्ड तकरीबन क्रेडिट कार्ड जैसे हैं. बट इन केस ऑफ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन अमाउंट इज डेबिटेड टू कार्ड होल्डर्स अकाउंट व्हेन इट इज नोटिफाइड टू द इश्यूअर. तो डेबिट कार्ड के अंदर जो अमाउंट है कार्ड होल्डर के अकाउंट से इमीजिएटली डेबिट हो जाता है जब भी इश्यूअर को यानी जिसने कार्ड इशू किया वो उस अमाउंट को इमीजिएटली डेबिट कर लेगा. तो वर्चुअली हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो फैसिलिटेट करता है कि सेविंग अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट किया जा सके वेन एवर देर इज नीड फॉर डेट. डेबिट कार्ड को हम कहते हैं यूज नाउ पे नाउ या पे नाउ यूज नाउ. क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं यूज नाउ एंड पे लेटर. तो दिस इज बेसिक डिफरेंस. तो क्रेडिट कार्ड में देर इज ए प्री सेट लिमिट. इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर टू बी पेड ऑन द आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट. इन केस ऑफ डेबिट कार्ड सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट सो दैट इज द अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन. तो कोई लिमिट नहीं बट इट डिपेंड्स अपॉन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इन दीज अकाउंट्स. नो वी हैव अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक मनी कॉल्ड प्री पेड कार्ड्स. सो दीज आर लोडेड विद अमाउंट पेड बाई द पर्सन परचेजिंग द कार्ड. तो ये वो कार्ड हैं जिसमें पर्सन पैसा डिपॉजिट करवाता विद द इश्यूअर. तो जिसको हम कहते हैं प्री पेमेंट सॉरी जिसको हम कहते हैं अमाउंट को लोड कर देना. सो अमाउंट को लोड किया जाता है दैट अमाउंट इज पेड बाय द पर्सन हु इज परचेजिंग दैट कार्ड. दीज कार्ड्स कैन बी गिवन टू थर्ड पर्सन्स ऑल्सो हु कैन यूज दीज फॉर मेकिंग परचेजेस फ्रॉम मर्चेंट्स. तो ये कार्ड एक पर्सन अमाउंट पे करता है और वो दूसरे पर्सन्स को भी इसे दे सकता है फॉर मेकिंग यूज ऑफ द कार्ड फॉर मेकिंग द परचेजेस. को ब्रांडेड कार्ड्स. सो इट इज ए कार्ड विच ए रिटेलर ऑफ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज इश्यूज इन पार्टनरशिप विद ए पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड इश्यूअर और नेटवर्क. तो को ब्रांडेड कार्ड्स के अंदर जो रिटेलर्स हैं कंज्यूमर गुड्स के और कंज्यूमर सर्विसेज के सो उन कार्ड्स को वो मिलकर के इशू करते हैं विद सम इश्यूअर और विद सम नेटवर्क. और इसमें पर्पज़ वही होता है टू मेक परचेजेस. तो दे आर कॉल्ड
co-branded. So co-branded कार्ड में जो issuer हैं वो एक नहीं, तो इसमें joint issuers रहते हैं, एक कार्ड issuer कंपनी या नेटवर्क और दूसरा retailers. Its logo, it logos both the credit company and the retailer. तो इसमें जो logo होता है वो दोनों का होता है, कार्ड इश्यूअर कंपनी का लोगो भी होगा और जो रिटेलर है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है तो उसका लोगो भी साथ में होगा. दीज कार्ड्स अर्न मर्चेंडाइज डिस्काउंट्स पॉइंट्स और अदर रिवॉर्ड्स व्हेन यूज्ड विद स्पॉन्सरिंग मर्चेंट. तो इन कार्ड्स के ऊपर क्या मिलते हैं, मर्चेंडाइज डिस्काउंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, दूसरे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जब उसको यूज किया जाता है विद द स्पॉन्सरिंग मर्चेंट्स. नाउ इसमें नेक्स्ट पार्ट है रिमिटेंस सर्विसेज. रिमिटेंस सर्विसेज आर ऑफर्ड फॉर फैसिलिटेटिंग फंड्स ट्रांसफर बिटवीन टू ट्रांसफर पर्संस. जो रिमिटेंस सर्विस है वो क्या फैसिलिटेट करता है, वो फैसिलिटेट करता है फंड्स ट्रांसफर्स बिटवीन टू persons. ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, कुछ मॉडर्न सर्विसेज हैं. ट्रेडिशनल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स, बैंकर्स चेक्स और पे ऑर्डर्स, मेल ट्रांसफर्स एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स. लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आए हैं तो तब से ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं इनका यूज काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया है. Now technology based services. So technology based services में हमारे पास NEFT है, RTGS है, NEFT no amount limit, but in case of RTGS minimum amount is rupees 2 lakh, maximum no limit. Then immediate payment service system है, UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देन AEPS है ट्रांसफर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. तो जिसमें बेसिकली जितनी हमारी सब्सिडी रिलेटेड पेमेंट्स हैं वो आ जाती हैं. देन देयर इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. तो दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो रिमिटेंसेस के लिए यूज होती हैं. तो ये थी हमारी रिमिटेंस की प्रोडक्ट्स. अब सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, सो दिस इज अनदर एरिया इन चैप्टर 1. फॉर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सर्विस टू देयर कस्टमर्स बैंक्स सेल थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर्टेनिंग मेनली टू कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर. वन स्टॉप सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, सो बैंक कस्टमर को रिटेन करने के लिए वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड की जाती है. तो बैंक उसमें क्या करते हैं, बैंक उसमें थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. सो जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की ये प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बैंक ऐसा करते हैं. देन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं जो कैपिटल मार्केट का पार्ट बन जाते हैं, तो दे सेल एज एजेंट, एजेंट के तौर के ऊपर ये प्रोडक्ट्स को वो सेल करते हैं जिसके बेसिस के ऊपर उनको कमीशन इनकम मिलती है. और इसके लिए उनको कोई कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती बिकॉज दिस इज प्राइमरली ए नॉन फंड सर्विस बिजनेस. फॉर बैंक्स इट इज एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू. बैंकों के लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन. कस्टमर्स गेट फाइनेंशियल सर्विसेज एट वन प्लेस. तो कस्टमर को एडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर उन्होंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेना है, उन्होंने कैपिटल मार्केट की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो सब कुछ उनको एट वन प्लेस अवेलेबल हो जाता है. फॉर कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस मार्केट इट एड्स टू देयर डेप्थ. जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट को क्या बेनिफिट है या इंश्योरेंस सेक्टर को बेनिफिट क्या है, तो उनका जो मार्केट है उसमें उनको डेप्थ मिल जाती है, यानी और पेनिट्रेशन मिल जाता है बाय यूजिंग अवेलेबल बैंक कस्टमर्स नीड्स.
सो इन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? इन प्रोडक्ट्स में देयर कुड बी डीमैट अकाउंट्स। डीमैट अकाउंट्स यानी ये वो टाई अप कर लेते हैं विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, और कुछ बैंक अपने लेवल के ऊपर भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं। देन ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी, सो फॉर दिस पर्पस दे टाई अप विद स्टॉक ब्रोकर्स। देन देयर कुड बी थ्री इन वन अकाउंट जिससे लिंक कर दिया जाएगा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग एंड करंट अकाउंट। तो बैंक सेविंग करंट अकाउंट मेंटेन करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट को ब्रोकर मेंटेन करेगा, डीमैट अकाउंट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन करेंगे। देन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सो यहाँ पे टाई अप होता है विद वेरियस म्यूचुअल फंड कंपनीज जिसके बेसिस के ऊपर ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे टाई अप हो सकता है विद लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे टाई अप हो जाता है विद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो प्राइमरली यहाँ पे टाई अप की फॉर्म में ये अरेंजमेंट हैं। तो जहाँ पर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेल की जाती है, व्हीकल इंश्योरेंस के लिए, हाउस इंश्योरेंस के लिए वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हैं। तो कुल मिला के दीज आर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जिनको बैंक से सेल करते हैं एज एजेंट। उसके लिए उनको मिलता है कमीशन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैपिटल, हेंस इट बिकम्स नॉन फंड बेस्ड बिजनेस ऑल्सो। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, लेकिन इनको करने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस। IIBF की बुक्स अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन, तो इसमें आपको हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हों। इशू किस प्रकार के? लाइक दिस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही हो सकती है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टेक्स्ट हैं, इनके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा हो, एंड आप रहते हैं बिजी, तो यू मे नॉट बी फाइंडिंग दैट मच टाइम। देन इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो मिलेंगे लेकिन बहुत थोड़े मिलेंगे, वो एडिक्वेट नहीं होंगे, जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जो कॉन्सेप्ट हम आपको करवाते हैं वो बहुत ईजी बना करके समझा देते हैं, जिससे न केवल आप उसको समझ लेते हैं लेकिन आपका टाइम का भी बहुत सारा सेविंग हो जाता है। तो उससे आप सिलेबस को प्रॉपरली कवर कर पाते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम के जस्ट पास जा करके आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है जो आपकी बहुत हेल्प करता है टू पास दिस एग्ज़ाम, तो फिर इसको क्यों यूज़ ना किया जाए? अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर ऐप और थ्रू आवर वेबसाइट। तो आप इनको यूज़ करिए और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटी है उनको इनक्रीज करिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिमांड डिपॉजिट? जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनका करैक्टरिस्टिक क्या होता है, उनकी विशेषता क्या होती है? रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड, लो इंटरेस्ट रेट और नो इंटरेस्ट, टाइम डिपॉजिट्स आर फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 to 120 days, इट इंक्लूड्स बोथ करंट सेविंग एंड ओवर ड्यू डिपॉजिट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो हमने बताना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो इनका करेक्टरिस्टिक है कि इसमें करंट है, सेविंग्स है, ओवरड्यू है और अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। और साथ में इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि ये लो इंटरेस्ट रेट इसको बैंक पे करते हैं या कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते।
अपने आप में आंसर डी ओके है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर हम ले सकते हैं डी एंड बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम डिपॉजिट रिपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, लो इंटरेस्ट रेट और नो इंटरेस्ट। टाइम डिपॉजिट्स आर फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 days टू 120 days। इट इंक्लूड्स करंट सेविंग, ओवरड्यू डिपॉजिट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सो हमारा आंसर इसमें कौन सा बनता है? सो व्हाट इज आवर आंसर? तो टाइम डिपॉजिट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला, इसका जो रीपेमेंट है दैट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो डिमांड करना पड़ता है। तो इसीलिए जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर है वो बनेगा हमारा 7 days टू 120 days का, क्योंकि इसमें वो पार्ट इनकम्प्लीट है। हम रीपेमेंट अपने आप नहीं करते, हम रीपेमेंट करते हैं व्हेन देयर इज अ डिमांड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिमांड डिपॉजिट्स? रिपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, लो इंटरेस्ट रेट और नो इंटरेस्ट, टाइम डिपॉजिट फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 to 20 days, इट इंक्लूड्स करंट सेविंग, ओवरड्यू डिपॉजिट। ये क्वेश्चन वर्चुअली रिपीट हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो दूसरा आंसर था तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने पहले क्वेश्चन में भी यही ऑप्शंस देखे थे, तो उसमें ये करेक्ट था हमने माना और ये करेक्ट माना था, लेकिन वहाँ पे उसने इसको करेक्ट दिया था और इसको छोड़ दिया था, और इसके अंदर वो इसको ले रहा है और इसको नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन उसने बना दिए हैं। डज नॉट मैटर, आफ्टर ऑल हमारी प्रैक्टिस तो होती ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइम डिपॉजिट रिपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, हाई इंटरेस्ट रेट विच मे वेरी अकॉर्डिंग टू पीरियड, द टाइम डिपॉजिट्स आर फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 days टू 120 months, इट इंक्लूड्स करंट सेविंग, ओवरड्यू डिपॉजिट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो रीपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिपॉजिट पीरियड, हाई इंटरेस्ट रेट इनमें मिलते हैं कंपेयर टू सेविंग, और वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो ये हो गया हमारा, इसका रीपेमेंट, इसका जो पीरियड है वो 7 days से लेकर 120 months का है। तो यहाँ पे आंसर उसने दिया है हमारा बी, लेकिन साथ में हमारा सी आंसर भी करेक्ट है। तो बी एंड सी हम दोनों को आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो इस प्रकार से दिए जाते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आंसर सही दिए हैं या आंसर सही नहीं दिए हैं, और फिर उन आंसर को आपको सही करवा दिया जाता है। What is one of the functions related to initial public offering or follow-up offer for merchant banker? Merchant banker इनके लिए basic function कौन सा perform करते हैं? Obtain regularly clearance from central bank, obtain clearance from Federal Trade Commission, planning and timing of IPO, FPO, selecting advertisement agencies for product promotion. तो वन ऑफ द फंक्शन रिलेटेड टू IPO, तो वो हमने बताना है। वन ऑफ द फंक्शंस रिलेटिंग टू IPO, तो कौन सा है? कोई एक बताना है हमने। तो मेन जो फंक्शन है वो है प्लान करना और उसका टाइमिंग सेट करना। हालांकि एडवर्टीजमेंट सिलेक्टिंग एजेंसी फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन वो भी मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शन उसमें है प्लानिंग एंड टाइमिंग ऑफ द IPO और FPO। इन लीज फाइनेंसिंग व्हाट एडवांटेज डज द लीजी हैव? सो लीज फाइनेंसिंग के अंदर लीजी को क्या एडवांटेज रहता है? ओनरशिप ऑफ लीज्ड एसेट्स, यूज ऑफ एसेट विदाउट इंक्रिंग कैपिटल कॉस्ट, फुल कंट्रोल ओवर लेसर्स प्रॉफिट्स, डेप्रिशिएशन चार्ज अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है लीजी को कौन सा एडवांटेज है, एडवांटेज टू लीजी।
सो व्हाट शैल बी द आंसर. सो लीजी को जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है यूज ऑफ एसेट विदाउट मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो वो कैपिटल कॉस्ट को सेव कर लेता है लेसी. तो फ्रेंड आज की क्लास के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो वहीं पे हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे. और कोई आपका रिक्वायरमेंट हो तो ये हमारा ईमेल आईडी है जहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं. आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो डिसलाइक के बटन को ज़रूर पुश करना सो दैट हमें पता चल जाए कि हम गलतियाँ कर रहे हैं. लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें. उसको लाइक करने में हेजिटेशन ना दिखाएं. आपके लाइक करने का मीनिंग है कि यूट्यूब उस वीडियो को और बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है. तो आप बहुत सारे और स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हो सकते हैं. अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर. इसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें. और नोटिफिकेशन मिलेंगे जब आप बेल आइकन भी साथ में पुश करते हैं. तो चलिए आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट.